dear students in this module we are going to talk about different sociological themes and topics which become important part of the subject matter of sociology so uh, we see that we hear and we observe around us that we use different mechanisms and methods to explore the world around us and part of our stock of knowledge they become part of our stock of knowledge however when we talk about the sociology we cannot say that every topic and every theme can be worth sociological investigation so let's see that what can be the possible themes and topics which can become part of sociological observation the first one that we're going to talk about is social stratification and inequality हर वो प्रोसेस हर वो एक्शन uh, हर वो इंटरक्शन जो सोशल स्टाटिफिकेसन प्रोड्यूस करता है इंसानों के दरमियान जो है वो डिफरेंट दर्जा बंदी uh, पैदा करता है और इनक्वालिटी पैदा करता है उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना जो है एक इंपॉर्टेंट टास्क है सोशालोजी का फिर इसी तरह से हम रेस एथनीसिटी एंड सोशल डिस्क्रमिनीशन जिस अंदाज से पैदा होती है Uh, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हमारी रेस की बुनियाद पे भी हो सकती है हमारी सोशल पोजीशन की बुनियाद पे हो सकती है uh, और हमारी पर्टिकुलरली uh, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बुनियाद पे भी हो सकती है जैसे कोई गोरा है कोई काला है किसी का रंग जो है वो बाक़ी लोगों से अगर नहीं मिल रहा है या उसमें कोई फिज़िकल uh, डिफेक्ट है डिसबिलिटी है उसकी बुनियाद के ऊपर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रही है फिर मुख्तिस हैं कोई एक एथनीसिटी अपने आप को ज़्यादा बहादुर समझती है नस्बता दूसरी एथनीसिटी के कोई एथनीसिटी है वो अपने आप को ज़्यादा ऑनस्ट समझती है दूसरी एथनीसिटी के नस्बत तो एक दूसरे को जैसे अंडरमाइन करते हैं इनकी बुनियाद पर जो डिस्क्रमिनीशन्स पैदा होती हैं फिर हमारे यहाँ जो एक्नॉमिक सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर मेजर डिस्क्रमिनीशनस पैदा होती हैं जिसका एकनॉमिक स्टेटस हायर होता है हम उसको अच्छा कंसिडर करते हैं उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं नस्बता उसके जिसका स्टेटस लोअर है इन सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना और इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करना भी जो है ये सोशोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है फिर जेंडर और सेक्शुअलिटी की बात करती है सोशलोजी क्योंकि जेंडर में ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर इनहेरेंट इनिक्वालिटी जो है वो इस बुनियाद के ऊपर पैदा होती है कि एक मर्द है एक औरत है एक ट्रांसजेंडर है और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो क्या इनकी पैदाइश की बुनियाद पे पैदा हुए हुए हैं या ये सोशल कंस्ट्रक्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं ये माशरे हैं जो उनको एक दर्जाबंदी के अंदर तकसीम कर देते हैं फिर हम देखते हैं कि फैमिली और किनशिप रिलेशनशिप हैं बाज जगहों पे फैमिली की डेफिनेशन जो है दूसरी जगहों की नस्बत मुख्तलिफ है आप फैमिली किसको कंसीडर करते हैं यूरोपियन सोसाइटी फैमिली किसको कंसीडर करती है हमारा और उनका फैमिली का डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है उनके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं जैसे हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिलीज भी मौजूद होती हैं और हमारे किनशिप स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ताया चचा मामा सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं किनशिप स्ट्रक्चर के अंदर आ, और उनका आपस में ताल्लुक़ जो है वो किस तरह से इस्टेबलिश होता है किस तरह से प्रोपैचुएट होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है सोशालोजी ऑफ मैरिज एंड फैमिली की फिर हम देखते हैं सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल इंस्टिट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी किस तरह से अक्कर होती है ख़ास तौर पर मॉडर्न एजुकेशन जो है वो किस तरह से एक इंस्टिट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी है और वो कैसे आ, आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है क्या वो सोश एजुकेशन जो है वो इनहेरेंट इन प्रोड्यूस करती है या सोश एजुकेशन आपको जो है अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू तो एक्सेल योर वो प्रोवाइड करती है तो ये इंपॉर्टेंट फील्ड है सोशॉलॉजी ऑफ एजुकेशन का इसी तरह से सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है वो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करती है वो ये देखती है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ नॉर्म्स वैल्यूज़ एक कल्चर एक्रॉस सोसाइटीज़ एक रिलीजन जो है वो किस तरह से प्रवेल करते हैं किस तरह से जो है मुख्तलिफ़ रिलीजन इंसान को अपने माशरे का हिस्सा बनने में एक अहम किरदार अदा करते हैं और ना सिर्फ उसको राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन बताते हैं बल्कि उसके उसको जो नॉर्मेटिव पैटर्न है उसके अंदर एम्बेड करते हैं उसको सॉलिडेरिटी की फ़ाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं दैन वी सी दैट द ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज़म के आज का माशरा जिसको हम आ, एक ग्लोबलाइज मुआरा भी कहते हैं एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी कहते हैं कैसे एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है इंटरनेट का इस्तेमाल है सोशल मीडिया का इस्तेमाल है जो ट्रेडिशनल मीडिया है जैसे टीवी है मूवीज़ हैं ड्रामास हैं फिल्म हैं ये सारी चीज़ें जो हैं एक ग्लोबलाइज्ड कल्चर प्रोड्यूस करने में भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं तो ट्रांस है जैसे हम देखते हैं कि आज का फर्द जो है सिर्फ किसी एक नेशन का शहरी नहीं होता बल्कि मल्टीनेशनल भी हो सकता है ट्रांसनेशनल भी हो सकता है इन अ वे कि बहुत से पाकिस्तानी हैं जो यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर रह तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी जो है वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऑफ ग्लोबलाइजेशन सोशोलॉजी ऑफ माइग्रेशन और सोशलजी ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म के अंदर देखते हैं फिर इसी तरह से सोशलजी ऑफ मेडिसिन है या मेडिकल सोशोलॉजी है जिसमें हम हेल्थ को देखते हैं इलनेस को देखते हैं महज ये नहीं है कि हेल्थ एल्नेस और मेडिसन जो है ये सारे मेडिकल की फील्ड हैं और इसका जो है वो सोशोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि ये एक इम्पॉटेंट एस्पेक्ट है कि हेल्थ को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है किसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे कौन अनहेल्दी होगा जो हमारे हेल्थ प्रोसेस के अंदर इंगेज होने के जो प्रोसेस हैं वो क्या होंगे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप किस तरह से होता है कैसे डिफरेंट जो हेल्थ सिस्टम हैं Uh, जैसे ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है या मॉडर्न हेल्थ सिस्टम है वो कैसे एक इंडिविजुअल के लिए जो है उसकी इलनेस को डिफ़ाइन करके या उसकी हेल्थ को डिफ़ाइन करके उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या टॉपिक जो हैं फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं सोशोलॉजी की डिफरेंट सब फील्ड्स के अंदर